यूपी में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से अपराधी और माफिया तो थर थर कांपते ही हैं। साथ ही साथ बड़े अधिकारी या पुलिस वाले भी कुछ गलत काम करने से 10 बारी सोचते हैं। जी हाँ, योगी सरकार इतनी सख्त है कि हर कोई अब सही से काम कर रहा है। आलम यह है कि बड़े बड़े अधिकारी भी योगी आदित्यनाथ से खौफ खाते हैं। जी हाँ, अब जो खबर सामने आई है वो ये बिल्कुल प्रूफ करती है कि योगी आदित्यनाथ के रहते हुए कोई भी गरीब के साथ या फिर किसी भी सीधे इंसान के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। जी हाँ, यूपी की राजधानी लखनऊ में एक पुलिस वाले ने फल विक्रेता से तराजू और बाटे छीन लिए थे। फल विक्रेता तराजू और बाट वापस पाने के लिए दरोगा जी से विनती करता रहा, लेकिन वो नहीं मांगे। दरोगा पुलिसिया हनक दिखाते हुए तराजू और बाट लेकर चले गए। इस घटना का फोटो और सोशल मीडिया पर जैसे वायरल हुआ, उसके बाद योगी आदित्यनाथ तुरंत एक्शन में आए और अधिकारियों ने इसका संज्ञान लिया। मामला अधिकारियों के संज्ञान में आने पर थाना प्रभारी ने फल विक्रेता को इलेक्ट्रॉनिक तराजू दिया और दरोगा को इस काम के लिए माफी भी मांगी। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के हजरतगंज थाना के पास 1090 चौराहे के पास डॉलीगंज में रहने वाले दीपू ठेला लगाकर फल बेच रहा था। इस दौरान डॉलीबाग चौकी प्रभारी सुरेंद्र सिंह फल वाले के पास पहुंचे और उस ठेले लगाने के लिए मना किया। फल विक्रेता के ना मानने पर चौकी प्रभारी उसका तराजू और बाटा लेकर ही चले गए। दीपू उनसे तराजू और बाट लौटाने की विनती करता रहा, लेकिन वो नहीं माने और चले गए। दीपू ने तराजू और बाट छीनने की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। मामला अधिकारियों के संज्ञान में आया तो हजरतगंज थाना के प्रभारी श्याम बाबू शुक्ला अपनी टीम के साथ पहुंचकर बाट तराजू के बदले दीपू को इलेक्ट्रॉनिक तराजू गिफ्ट किया और चौकी प्रभारी के कारनामे के लिए उससे माफी भी मांगी। इस में डिप्टी पुलिस कमिश्नर सेंट्रल जोन सोमन वर्मा ने बताया कि तराजू और बाट लेने का प्रकरण सोशल मीडिया पर आया था। डीसीपी ने बताया कि इसके बाद हमने नया इलेक्ट्रॉनिक तराजू उनको दिया है और इस काम पर दरोगा को फटकार भी लगाई है। हालांकि फल वालों को कई बार मना भी किया गया, लेकिन दुकान वो वहीं लगाते इस कारण दरोगा जी अलग ही रौब में आ गए थे और तराजू लेकर चले गए। लेकिन वो भूल गए थे कि ये यूपी है और यूपी में योगी की सरकार है, यहाँ कुछ भी ऐसा काम करेंगे तो सख्त कार्रवाई जरूर होगी। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं अमन यादव, वीके न्यूज़, दिल्ली।